प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिर बंगाल दौरे के आसार है। वह 22 मई को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित रोजगार मेले में शिरकत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का कोई राजनीतिक कार्यक्रम या राजनीतिक सभा का कार्यक्रम नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे को लेकर आधिकारिक रूप से अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया है। बंगाल भाजपा के सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि पीएम नरेंद्र मोदी रोजगार मेला में शामिल होने कोलकाता आ सकती है। भाजपा नेताओं के अनुसार बंगाल भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकता है। बंगाल बीजेपी का नेतृत्व प्रधानमंत्री से मुलाकात कर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और विभिन्न सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकता है। पीएम मोदी को बंगाल बीजेपी की ओर से ज्ञापन भी दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पहले 30 दिसंबर को वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के लिए कोलकाता आने वाले थे, लेकिन उस दिन उनकी मां का निधन के कारण वे कोलकाता नहीं आ सके थे। हालांकि प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से ही वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल दौरा यदि यथावत रहता है तो भाजपा नेताओं के अनुसार साल 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी का ये बंगाल दौरा पहला होगा और ये राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी होगा। बंगाल में इस साल पंचायत चुनाव में बंगाल भाजपा ममता बनर्जी सरकार में कथित रूप से भ्रष्टाचार का मुद्दा बना रही है और इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता को बता रही है। ऐसे में रोजगार मेले के माध्यम से फिर से केंद्र सरकार के विकास को जनता के सामने पेश किया जाएगा। रोजगार मेले से रोजगार पत्र पाने वाले युवाओं को केंद्र सरकार के 38 मंत्रालयों और विभागों में रोजगार दिया जाता है। इनकी नियुक्ति अलग अलग विभागों में अलग अलग स्तरों पर की जाती है। रोजगार मेला में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, डाकघर के विभिन्न विभागों, CBI, सीमा शुल्क विभाग, बैंकिंग और विभिन्न सुरक्षा बलों में नियुक्तियों के कागजात सौंपे जाते हैं। प्रधानमंत्री इसके पहले कई रोजगार मेला में शिरकत कर चुके हैं। इस तरह के मेले में देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित रोजगार मेला का वर्चुअल माध्यम से भी जोड़ा जाता है और वहां के युवकों को रोजगार प्रदान किया जाता है।